मेरिट आज भारत में। आज राहुल जी ने इतना तथ्यपरक और इतना मुद्दे पर अपनी बात रखी है कि पूरी भाजपा बौखला गई है। स्मृति ईरानी जी उसके बाद की उनकी उनका पूरा बयान जो है वो सिर्फ टिप्पणी है और खिसियाहट है। आज राहुल जी ने जिस तरह से मणिपुर के आवाम का, मणिपुर के लोगों की पीड़ा को, दर्द को आवाज़ दिया है, उसे शब्द दिया है, वो पूरा सदन एक तरह से आज किंग कर्तव्य विमूढ़ था। और स्मृति जी अब कुछ भी बोल लें, इस देश का हर व्यक्ति भारत है, इस देश की हर बेटी भारत की बेटी है, इस देश की हर माँ भारत माँ है। इसमें राहुल जी ने गलत क्या कहा? राहुल जी ने बहुत शानदार बोला, हम सामने से बैठ के सुन रहे थे। मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ने आज अद्भुत बोला है। तौर पे जो है, जो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके से हमलावर है, क्या कहेंगे आप? उसका जवाब राहुल गांधी जी ने आखिर में दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं बोलूंगा। और उन्होंने दिल से बोल करके भारत की आवाम की जो पीड़ा है उसको शब्द दिया है। तो भाजपा हमलावर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है सवाल सरकार पर है ना, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल है ना, पिछले 3 महीने की चुप्पी प्रधानमंत्री की। मणिपुर पर जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो राहुल गांधी जी ने किया, तो जाहिर सी बात है भाजपा खिसी आएगी ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।